हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना लोकसभा में हिंदू शब्द पर इस कदर आर पार की नौबत शायद ही कभी आई हो। राहुल गांधी ने जो कहा वो पहली बार था। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, महावीर डरो मत अभय मुद्रा। राहुल अलग अलग धर्मों का जिक्र कर अभय मुद्रा की अहमियत समझा रहे थे। बीजेपी को इस कदर घेरने की कोशिश में राहुल ने इसके बाद सीधे शिव जी की बात शुरू कर दी। शिव जी कहते हैं डरो मत अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। इस पर बवाल हुआ तो राहुल कहते दिखे कि हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि तीर सीधे इनके दिल में लगा है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। तभी पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उन्होंने राहुल के बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान बताया। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को निशाने पर लिया, कहा जो कहना था वो आपने कह दिया, अब हंगामा करके बात नहीं दबेगी, आप माफी मांगिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल की अभय मुद्रा वाली बात पकड़ ली। पूछा कि जरा इस्लामी विद्वानों से इस पर राय ले लें, सिख संगठन SGPC की राय भी जान लें। मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वे ले लें। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, तो लोगों को जेल में डाला। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके लेकिन राहुल पर अमित शाह के इन सवालों का असर नहीं हुआ। वो दोबारा बोलने खड़े हुए और अपने बयान का मतलब खुद साफ किया। अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता,
बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। हिंदुत्व की धुरी पर हो रही इस महाबहस के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर नियमों को ताक पर रखने के गंभीर आरोप लगाए। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं, नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने जो कहा वो भी गौर करने वाला था। स्पीकर ने राहुल के भाषण को गंभीरता से देखने की बात कही। ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा।